Good morning, friends. After doing recruitment and selection in detail, we move towards the third main concept of staffing process, that is training and development. There are three terms: training, development and education. Sometimes these terms are used interchangeably, but there are differences. First, we see the difference between training and development. The first point is systematic and continuous process of increasing knowledge and skill. Jaise on the job, off the job training एक systematic और continuous process है जिसमें एक worker की knowledge, skill, efficiency improve होती है. अब वह अपना काम और ज्यादा अच्छे से कर सकता है. Development is a process of learning and growth. Development एक ऐसी process है जिसमें employee की overall growth होती है. जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं जिसमें एक पर्सन की हिडन क्वालिटीज और टैलेंट डेवलप होते हैं. द सेकेंड इज ओरिएंटेशन, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस. ट्रेनिंग में वर्कर को कोई एक स्पेसिफिक जॉब की ट्रेनिंग दी जाती है. जैसे शुगर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री एक प्रोसेस इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारी मशीन्स होती है. अब हर वर्कर को एक स्पेसिफिक मशीन ऑपरेट करने की ही ट्रेनिंग दी जाती है. सो दैट इज जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस. डेवलपमेंट इट इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस. जैसे फैक्ट्री में सुपरिंटेंडेंट होता है, लोअर लेवल मैनेजर होता है, उसे फैक्ट्री की हर मशीन को ऑपरेट करने का नॉलेज है. सो दैट इज डेवलपमेंट. फ्यूचर में इस मैनेजर को हम लोअर लेवल से मिडल लेवल पर प्रमोट कर सकते हैं, यानी यह सुपरिंटेंडेंट प्लांट सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर प्रमोट हो सकता है. द थर्ड इज पर्पस, एम्स टू इम्प्रूव प्रेजेंट जॉब. इसका मतलब एम्प्लॉय जो भी काम करता है वह और ज्यादा अच्छे तरीके से कर सके, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इम्प्रूव हो. डेवलपमेंट एम्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय. डेवलपमेंट में एम्प्लॉय का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है क्योंकि यह करियर ओरिएंटेड प्रोसेस है. नाउ द नेक्स्ट इज स्कोप. ट्रेनिंग हैज अ नैरो स्कोप, इट इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. जैसे ऑर्गेनाइजेशन में यदि हर वर्कर की पीरियोडिकली ड्यूटी चेंज की जाए और उसे फैक्ट्री की हर मशीन को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाए तो उसका डेवलपमेंट होगा. सो ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट हैज अ ब्रॉडर स्कोप, इट इंक्लूड्स ट्रेनिंग. नाउ द नेक्स्ट इज सुटेबिलिटी. ट्रेनिंग इज सुटेबल फॉर टेक्निकल एंड मैकेनिकल वर्क ऑपरेटिंग एम्प्लॉयज. यानी जो वर्कर्स टेक्निकल मैकेनिकल वर्क करते हैं, जो एक्चुअली प्रोडक्शन वर्क करते हैं, उन्हें स्पेसिफिक जॉब के लिए ट्रेनिंग दी जाती है. डेवलपमेंट इज फॉर मैनेजेरियल स्टाफ, यानी टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए डेवलपमेंट होता है ताकि वह हर कंडीशन में हर टाइप के एम्प्लॉय से वर्क करवा सके और ऑर्गेनाइजेशन में भी एक पीसफुल एनवायरमेंट रहे. ड्यूरेशन, ट्रेनिंग इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस वेयर इज डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. इनिशिएटिव, एम्प्लॉयर टेक्स इनिशिएटिव इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज ताकि एम्प्लॉयर की ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, प्रॉफिट इंक्रीज हो, इसलिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देता है. डेवलपमेंट, इंडिविजुअल टेक्स इनिशिएटिव हिमसेल्फ फॉर हिज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यहाँ पर मैनेजर्स अपने डेवलपमेंट के लिए खुद इनिशिएटिव लेते हैं ताकि उनकी हिडन क्वालिटीज डेवलप हो, वह हर कंडीशन को मैनेज कर पाए, उनका प्रमोशन हो सके, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी और चैलेंजिंग जॉब उन्हें मिल सके. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. द थर्ड टर्म इज एजुकेशन. एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज. इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय और एनी पर्सन. Education is a lifelong process. It increases the general knowledge of a person. जैसे किसी worker को आपने एक specific machine operate करना सिखाया तो यह training है, लेकिन यह machine work कैसे करती है, इसका internal system क्या है, यदि आपने worker को यह बताया तो यह education है.
जैसे आपने ड्राइविंग स्कूल में जाकर कार चलाना सीख लिया तो यह एक ट्रेनिंग है, लेकिन इस कार में कौन कौन से पार्ट्स असेंबल हुए हैं, किस पार्ट का क्या फंक्शन है, तो वह है एडुकेशन। सो इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द जनरल नॉलेज ऑफ अ पर्सन। एडुकेशन डज नॉट प्रोवाइड डेफिनेट आंसर्स बट डेवलप्स लॉजिकल एंड रैशनल माइंड। एडुकेशन से आपको किसी भी प्रॉब्लम का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन इससे आपकी लॉजिकल और रैशनल कैपेसिटी इंक्रीज होती है कि आप खुद यह फाइंड आउट करें कि इस प्रॉब्लम का रीजन क्या है और इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है। इट डेवलप्स द कैपेसिटी ऑफ एनालिसिस, सिंथेसिस एंड ऑब्जेक्टिविटी। एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स डिफिकल्ट थीम थ्योरी कॉन्सेप्ट को हमने सिंपल बना दिया, जबकि सिंथेसिस एनालिसिस का जस्ट अपोजिट है। सिंथेसिस में हमने किसी भी सिंपल थीम को कॉम्प्लेक्स बना दिया, डिफिकल्ट बना दिया। एंड ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी में कोई भी पर्सन जस्ट एंड फेयर डिसीजन लेता है, उसके डिसीजंस बायस नहीं होते, उनके पीछे कुछ लॉजिक होता है, वो प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल नहीं होते। एडुकेशन इज ब्रॉडर इन स्कोप दैन ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के गोल से ही रिलेटेड होती है, जबकि एडुकेशन इंडिविजुअल गोल से रिलेटेड होता है। सो एडुकेशन हैज अ ब्रॉडर स्कोप दैन ट्रेनिंग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एडुकेशन। Now we see importance of training and development. हर employer अपनी organization में trained और experienced staff चाहता है ताकि वह इस competitive environment में survive कर सके, grow कर सके। The organization and the employee both are benefited with the training because their effectiveness and efficiency improves. First, we see the benefits of training and development to the organization. The first point is systematic learning. Training एक systematic continuous learning process है, जिससे employees material, machine, money, इन resources का maximum use करते हैं। इन resources का wastage avoid होता है, heat and trial method avoid होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होता है। द सेकेंड इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ट्रेनिंग से वर्कर का परफॉर्मेंस, उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है। अब वह ज़्यादा क्वांटिटी, बेटर क्वालिटी के मैन्युफैक्चर कर सकता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी इंक्रीज होता है। द थर्ड इज प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स। हमने पढ़ा कि ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। अब रेगुलरली ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट भी होता है, फ्यूचर में इन्हें मोर रिस्पॉन्सिबल वर्क, चैलेंजिंग टास्क और मैनेजर्स की पोजीशन भी मिल सकती है। द नेक्स्ट इज बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज में जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट होता है, जिससे उनका एब्सेंटिज्म रिड्यूस होता है, लेबर टर्नओवर रेट रिड्यूस होता है, यानी अब वह ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर नहीं जाते। द लास्ट इज बेटर रिस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरमेंट। हमारा बिजनेस एनवायरमेंट बहुत ही डायनामिक है, यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक चेंजेस होते रहते हैं। यदि हम एम्प्लॉयज को रेगुलरली ट्रेनिंग देंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन बिजनेस एनवायरमेंट चेंजेस को क्विकली अडैप्ट कर लेगी, अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज में चेंजेस करेगी, जिससे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट होगा। नाउ वी सी बेनिफिट्स टू द एम्प्लॉयज। द फर्स्ट इज करियर ग्रोथ। रेगुलरली ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज का करियर प्लानिंग, करियर डेवलपमेंट भी होता है, क्योंकि उन्हें अब हर जॉब करने की स्किल आ जाती है। द सेकेंड इज इंक्रीज्ड अर्निंग। ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होती है, प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होने से उसकी अर्निंग्स भी इम्प्रूव होती है। द थर्ड इज सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज। ट्रेन वर्कर्स अपनी मशीन और मटेरियल का सेफली यूज करते हैं,
जिससे एक्सीडेंट्स के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो दे आर सेफ ऑल्सो. हाई मोराल, ट्रेनिंग देने से एम्प्लॉयज का मोराल इंक्रीज होता है, उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन क्रिएट होता है कि उनकी पोजीशन भी स्ट्रांग है और उनकी वेजेस भी अच्छी है. नाउ वी स्टार्ट विथ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. वी सी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड फर्स्ट. इट इज लर्निंग व्हाइल डूइंग, यानी काम करते करते एक वर्कर ट्रेनिंग ले लेता है. ट्रेनिंग इज इम्पार्टेड एट द वर्क प्लेस. इट इज सुटेबल फॉर टेक्निकल जॉब. एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स स्पेशली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर कंडक्ट्स द ट्रेनिंग. ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन कोई एक्सपीरियंस्ड वर्कर या फिर इस जॉब के लिए स्पेशली क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर अपॉइंट किया जाता है. द एग्जाम्पल इज अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप ट्रेनिंग. नाउ ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, दिस इज लर्निंग बिफोर डूइंग. ट्रेनिंग प्लेस इज अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, यानी इस टाइप की ट्रेनिंग लेते समय वर्कर अपनी वर्क प्लेस फैक्ट्री ऑफिस से दूर होता है और केवल ट्रेनिंग सेशन ही अटेंड करता है. इट इज सुटेबल फॉर मैनेजरियल जॉब्स. Professionals, technicians conduct the training session. The examples are vestibule training and lectures. We are going to study in detail the types of on-the-job and off-the-job training. There are various methods of training. The first method is induction training or orientation training. It means to introduce, welcome a new employee to the organization. It helps a new employee to settle down quickly in the organization by becoming familiar with people, surrounding, job and business. किसी भी new employee को organization में introduce करने से, welcome करने से, वह organization में जल्दी settle हो जाता है. उसे अपने organization के colleagues, business environment, his specified job and the business की information मिलती है. This induction training may be formal or informal. Informal induction training में इस new employee का immediate supervisor उसे timely guide करता है, उसे company के plans, policies, expectation की information देता है. यानी यह immediate supervisor इस new employee के लिए guide, friend, philosopher का काम करता है. This induction may be formal. Formal induction method में company एक executive को appoint करती है जो सभी new candidates को organization से introduce कराता है. The duration of formal induction may be few hours to few days. In this induction program, the awareness about company's strategy, performance standards are provided. यानी इस फॉर्मल इंडक्शन में एग्जीक्यूटिव न्यू कैंडिडेट को कंपनी के प्लान्स, पॉलिसीज, स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, एक्सपेक्टेशन की इंफॉर्मेशन देता है. इट कैन बी कंडक्टेड थ्रू फिल्म शोज, लेक्चर्स एंड टूर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट. नाउ वेदर द इंडक्शन प्रोग्राम इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, इट इम्प्रूव्स द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ न्यू एम्प्लॉय. The second method of training is vestibule training. It is off-the-job training method. Actual work environment is created in a classroom. यानी vestibule training में हम एक classroom को अपने work environment में convert कर देते हैं. Duplicate model of workshop, dummy machines are used. यानी यह training place कोई actual workshop नहीं है. इसे वर्कशॉप का डिजाइन दिया गया है या डुप्लीकेट वर्कशॉप है. यहाँ पर जो मशीन्स रखी हुई है जिस पर कोई कैंडिडेट ट्रेनिंग लेगा वह डमी मशीन्स है, यानी वह ओरिजिनल मशीन्स नहीं है. ट्रेनिंग टू यूज एक्सपेंसिव एंड सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स. जिन वर्कर्स को एक्सपेंसिव सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स, मशीन्स यूज करने की ट्रेनिंग देना है, उनके लिए यह वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले उन्हें डमी मशीन्स पर ही ट्रेनिंग दी जाती है ताकि फैक्ट्री में रखी हुई ओरिजिनल मशीन्स को कोई भी नुकसान
ना हो. Now the third method is apprenticeship training. This is on the job training method. Under this method, the trainee apprentice work under the direct supervision of experts who guide and help them in learning the new job. इसका मतलब इस तरह की ट्रेनिंग में एक ट्रेनी एक सुपरवाइजर एक्सपर्ट के सुपरविजन में गाइडेंस में वर्क करता है और धीरे धीरे सेम स्किल सीख जाता है. फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट और ट्रेड लाइक प्रिंटिंग टूल मेकिंग कंस्ट्रक्शन वर्क और वोकेशंस लाइक इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक्स प्लम्बर कारपेंटर एक्सेट्रा. आपने देखा होगा कि इन एक्सपर्ट्स के साथ हमेशा हेल्पिंग हैंड्स होते हैं. यह हेल्पिंग हैंड्स ट्रेनी होते हैं. धीरे धीरे काम करते करते वह ये स्किल वोकेशन सीख जाते हैं. देर इज अ यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग विच रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 years. देर इज अ वेन्यू लर्न स्कीम मीन्स ट्रेनीज गेट नॉमिनल रेमुनरेशन एंड दैट इज कॉल्ड स्टाइपेंड. Trainee is absorbed in regular post on completion of training period. यह training period पूरा हो जाने के बाद जब training अच्छे से यह skill सीख जाता है तो वह same person के साथ या same organization में absorb हो जाता है. Now the fourth method is internship training. This is on the job training method. Vocational or professional institutes enter into arrangement with big business enterprises wherein their students are sent to big industrial enterprises to gain practical work experience. इसका मतलब internship training में colleges जैसे IIT college, IIM college company के साथ agreement करती है कि इन companies में इन colleges के students आकर practical work experience लेंगे काम करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टूडेंट्स जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स को MBBS हो जाने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक साल के लिए इंटर्नशिप ट्रेनिंग करनी होती है. CA ICWA स्टूडेंट्स जैसे इन स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप करनी होती है ताकि वह एक एक्सपर्ट के अंडर में रहकर प्रैक्टिकल वर्क करे और इस काम को अच्छे तरीके से समझे. This is suitable when practical experience is required with advanced theoretical knowledge. Internship training उन professional vocational courses के लिए जरूरी है जहाँ पर theoretical knowledge enough नहीं है. एक student को theory के साथ साथ practical knowledge भी होना बहुत जरूरी है. I hope you have understood all the types of training methods. If you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you.